नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। जो भी समय वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। आप सबको पता है कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बराबर बोलना पड़ता है बिना रुके हुए, और वो भी कमरे में फैन वगैरह बंद करके बोलना पड़ता है गर्मी में, ताकि आप लोगों को साफ सुथरी आवाज दे सके, आपको समझ में आए। तो प्लीज वीडियो को हमारी मेहनत देखते हुए कम से कम लाइक कर दिया करो। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले खुशखबरी भी आपको बताते हैं। एक बहन ने मैसेज किया, नमस्कार भैया जी, मैं सीमा चौधरी मध्य प्रदेश के जिला सिवनी के ग्राम जैतपुर कला के केंद्र एक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर इनका अब हो गया है। पहले हमारी ये बहन सहायिका के पद पर थी और अब इनका आंगनबाड़ी के पद पर हो गया। उन्होंने लिखा है कि पहले मैं आंगनबाड़ी सहायिका थी, 12 वर्ष के बाद में यह मुकाम तक वो पहुंची है। इसको चैनल पर दिखाने की कृपा करें, तो बहन के लिए खुशी की बात है। और बाकी जो सहायिका बहनें हैं, आप सब भी अपने हक के लिए सरकार से मांग करिए। अभी यही समय है प्रमोशन टाइप का, जो भी है जैसा है, जो ज्यादा दिनों से सेवा दे रही हैं उनका आंगनबाड़ी के पद पर होना चाहिए। बहन ने लिखा है, परियोजना कार्यालय महिला बाल विकास परियोजना सिवनी ग्रामीण एक से सरकारी आदेश उन्होंने भेजा है। अनंतिम सूची का यह प्रकाशन है, फाइनल सूची का 15/6 तारीख को जो निकली थी, यानी 15 जून को अभी 2021 में पिछले महीने, इसमें वहां पर सीमा चौधरी बहन का ये नाम देखो लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हो गई हैं। कुल इनके जो प्राप्तांक थे वो इनके 64.50 थे। आप देख सकते हो वरीयता सूची में क्रम इनका पहला आया है, तो आप यहां पर देख सकते हो अब हमारी ये बहन आंगनबाड़ी के पद पर हो गई है, जो कि पहले सहायिका थी। तो अब ये दोस्तों आपको बता दें, श्रीमती राजकुमारी जंघेल है परियोजना अधिकारी, और ये सिवनी से उन्होंने ग्रामीण एक से अपना ये लेटर जारी किया है, और जिसे आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। आगे दोस्तों चलते हैं, ये सूची वूची जो साफ नहीं दिख रही है लेकिन उसमें उनके अंक साफ साफ जो थे वो मैंने बता दिए। अब आपको बताते हैं एक बहुत ही काम की जानकारी, ये देखिएगा, संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शपथ है, इसको हम पढ़ रहे हैं। आप सब भाई बहन ध्यान से सुनना, संचारी रोग नियंत्रण अभियान वाले कार्यक्रम जुलाई महीने में चल रहे हैं और इस शपथ को आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें लिखा है, हम अपने गांव, ब्लॉक, जनपद और देश को रोग मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम शपथ लेते हैं कि व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, अपने गांव और मोहल्ले के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तथा समुदाय को साफ सफाई और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। संचारी रोग हमारे गांव अथवा क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। हम शपथ लेते हैं कि संचारी रोगों से लड़ाई में हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे परिवार और समुदाय इन रोगों से मुक्त रहें। हमारे गांव अथवा हमारे आसपास के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा तो उसके परिवार को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आप सब बहनों को यह शपथ मैंने बताई है, आप लोग इसका ध्यान रखना। आगे चलते और भी आपको बताते हैं, यहां पर एक जो खबर आप लोगों को सुबह की खबरों में दिखाई गई थी उस पर थोड़ा अपडेट दे देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा फर्नीचर, यानी प्री प्राइमरी के तहत जो स्कूल पूर्व शिक्षा महानिदेशक ने लेटर जारी किया, उन्होंने कहा था जो प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनको फर्नीचर दिया जाएगा प्री प्राइमरी के तहत। जो किट है वो तो मिल रही है, खेल खिलौनों पढ़ाई वाली वो अलग है, लेकिन फर्नीचर केवल कुछ ही केंद्रों को मिलेंगे। अब वो भी सभी आंगनबाड़ी को नहीं मिलेंगे जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर में, क्योंकि ये जो खबर छपी है लखनऊ से, आंगनबाड़ी में अब छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगा फर्नीचर होगा। बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश के 10,000 केंद्रों में फर्नीचर देने के लिए तैयारी कर रहा है, तो केवल 10,000 केंद्रों को अभी देने के लिए तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार इस सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू करने वाली है, लेकिन अभी कोरोना के चलते 31 जुलाई तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, जिसका सरकारी आदेश मैंने सुबह दिखा दिया। अब आगे इसमें लिखा है कि प्रदेश में 1,80,000 आंगनबाड़ी केंद्र है उत्तर प्रदेश में, और इसमें से लगभग 70,000 केंद्र प्राइमरी स्कूलों के कैंपस में है। तो अब सोचिएगा, 70,000 केंद्र ऐसे हैं जो प्राथमिक स्कूल वाले जो है उसके कैंपस यानी उसी के परिसर में बने हैं, तो अभी इन सभी को 70,000 को तो फर्नीचर मिलेगा नहीं, केवल 10,000 चयनित किए जाएंगे ऊपर से। अब इन कैंपस के 10,000 स्कूलों में फर्नीचर दिया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र से इसके लिए बजट मांगा है, जिसकी सैद्धांतिक सहमति
केंद्र ने दे दी है, तो आप देखेगा जल्दी फर्नीचर भी 10,000 केंद्रों को दिए जाएंगे। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, शीला देवी बहन है जो कि झांसी जनपद से है, उन्होंने एक ये भेजा था संभव अभियान को लेकर के, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संभव अभियान चलेगा, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम सरकार का। और आप देख सकते हो जुलाई अगस्त सितंबर में क्या क्या कैसे गतिविधियां मनानी है, सब इसमें लिखा हुआ, पूर्व में भी मेरे द्वारा बताया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, एक ये सोनी बहन है शाहजहांपुर से, उन्होंने एक और थीम भेजी थी, पहले त्रैमास की गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको पंजीकृत करें, गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 स्वास्थ्य जांच व संस्थागत प्रसव के बारे में उनको बताना भी है, इसकी जागरूकता आप लोगों को घर घर देनी है। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, ये देखिएगा पहले त्रैमास की गर्भवती महिलाओं के गृह भ्रमण करते हुए उसकी गोद भराई आपको करनी है, तो यहां पर लिखा है कि पोषण युक्त भोजन और टीकाकरण, वजन, खून व पेट की जांच, इन सब चीजों की महत्वता वगैरह के बारे में आप लोगों को जो है गृह भ्रमण लोगों को बताना है। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, अगली जो खबर है वो आ रही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहावल से, यानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के सुहावल से एक ये लेटर मिला है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान के बारे में है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो चलेगा वो इस तरीके से देखो यहां पर रूपरेखा तैयार की गई है संचारी रोग नियंत्रण अभियान की, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहावल अयोध्या में उपकेंद्रों के देखो नाम पड़े हुए हैं, ग्राम पुरवा का नाम भी लिखा हुआ है, ग्राम वगैरह प्रधान रैली भी देखो वहां कराई जाएंगी, तो 1 जुलाई को ग्राम प्रधान वाली सब ये रैली है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की जो बैठक है वो कल यानी कल 2 जुलाई को होगी, और उसके अलावा मात्र बैठक 7 जुलाई को होगी, स्वयं सहायता समूह की बैठक 9 जुलाई को होगी, ग्राम प्रधान एवं ग्राम वासियों के साथ में संवेदीकरण बैठक जो है वो 10 जुलाई को होगी, और कुल स्कूल में छात्रों का संवेदीकरण तिथि नोडल अध्यापक से पता करके भरें, तो अभी निल लिखा हुआ यानी अभी इसका कोई तैयार खाका नहीं है, क्योंकि स्कूल खुले हैं कि नहीं इस पर अभी मत बना हुआ है। अब आशा द्वारा जो है यहां पर पैम्फलेट का जो वितरण है वो 16 जुलाई को किया जाएगा, और आपका क्लोरीनेशन वगैरह डेमो जो है वो 18 जुलाई को, विद्यालय रैली भी निल है, क्योंकि अभी विद्यालय को लेकर के कोई दिशा निर्देश शायद हम तक भी नहीं पहुंचे हैं, और शासन प्रशासन से शायद जारी हो गए हों, जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी आपको दिखा दिया जाएगा, हो सकता है शाम तक आ जाए सुबह ही आपको दिखा दें। अब दोस्तों आगे आपको बताते हैं, सोमती शर्मा बहन है जो कि कानपुर से है, और उन्होंने एक ये लेटर भेजा है, डीपीओ महोदय का कानपुर में लेटर जारी है, 29 जून को निकाला गया, सीडीपीओ लोगों को जो है कानपुर में डीपीओ महोदय ने भेजा है, उसमें कहा है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती बहनें हैं, फाइलेरिया उन्मूलन जो कार्यक्रम है 2021 के उसको सफल संचालन करें, प्रचार प्रसार इसके लिए करें। इसमें उन्होंने कहा है कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने गृह भ्रमण के दौरान लाभार्थियों को जो इस संबंध में दवा खाने के लिए प्रेरित करें और अपने सामने ही दोस्तों दवा खावाएं, यह भी इसमें लिख दिया गया, दवा का जो सेवन है वो अपने सामने ही कार्यकर्ती करवाएं, काफी लोग ले लेते हैं दवा उसके बाद में खाते नहीं है, फेंक देते हैं लाभार्थी, तो इसलिए भी बोला गया है। बाकी वीडियो फोटो जो भी है वो अपने विभाग को आप लोगों को शेयर करनी है, आशा बहने आंगनबाड़ी बहने यहां पर ध्यान दें। अब आगे बताते हैं आपको, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारीगंज जो कि माधेपुरा से पड़ता है, बिहार राज्य की बहने जो माधेपुरा से है वो ध्यान दें, यहां पर एक ये लेटर निकला है जिसमें कहा गया कि 1 जुलाई से लेकर के COVID-19 टीकाकरण का मेगा शिविर आयोजन किया गया है। मेगा शिविर का मतलब है बहुत ज्यादा वहां पर वैक्सीनेशन कराए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिला स्तर से इस शिविर के माध्यम से 2000 व्यक्तियों का COVID-19 टीकाकरण कराने का लक्ष्य आवंटित किया गया है, तो यहां पर 2000 लोगों को एक ही दिन टीकाकरण कराए जाएंगे। अब इसके बारे में सब लिख करके आया है, थोड़ा यहां पर साफ नहीं दिख रहा है वरना मैं और बता देता, लेकिन इतना काफी है, ये मेगा शिविर आयोजन हो रहे हैं COVID-19 टीकाकरण के बिहार के माधेपुरा में, अन्य जगह भी इस तरह से हो रहा है, अभी हम आपको बताएंगे। प्रेमलता कुमारी बहन है माधेपुरा से, उन्होंने जानकारी भेजी थी, 2 जुलाई को देखो यहां पर बोला गया है कि विशेष टीकाकरण अभियान दिनांक 1 जुलाई के बदले समय दिनांक 2 जुलाई को अब होगा, तो कल 2 जुलाई है और कल ही ये माधेपुरा में 2 जुलाई को मेगा वाला ये मनाया जाएगा टीकाकरण वाला। अब आगे आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का एक ये लेटर जारी है सीएमओ का, और यहां पर देखिएगा मैना देवी है जो कि जौनपुर से है, उन्होंने एक लेटर जो है हमको भेजा है, 30 जून को ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जौनपुर में निकाला। इसमें उन्होंने कहा है कि COVID-19 के
टारगेट जो है वो सैंपलिंग किए जाने के संबंध में। तो अब यहां पर सैंपलिंग किया जाएगा, आप देख सकते हो यहां पर सैंपल लिए जाएंगे कोविड 19 वाले, उसका टारगेट रख दिया गया है। 1 जुलाई से इसके लिए जो है कैलेंडर वैलेंडर भी जारी हो गया, जिसमें हम आपको बता दें 1 जुलाई को आशा आंगनबाड़ी बहनों का टारगेट समूह रखा गया था, और कल 2 जुलाई को एएनएम बहनों का और हॉस्पिटल के जो स्टाफ वाले हैं उनका सैंपलिंग होगा, 3 जुलाई को पुलिस स्टेशन वालों का और 4 जुलाई को तहसील और ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी अधिकारी, और साथ ही 5 जुलाई को नगर पालिका नगर पंचायत अधिकारी, 6 जुलाई को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले इनका होगा, 7 तारीख को मेडिकल स्टोर वाले, फिर उसके बाद 8 तारीख को स्वीट शॉप वाले, दुग्ध पदार्थ विक्रेता वाले, 9 तारीख को सब्जी विक्रेता रेहड़ी वाले, 10 तारीख को टैक्सी ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाले, 11 तारीख को होटल ढाबा रेस्टोरेंट वाले, 12 तारीख को नाई ब्यूटी पार्लर मेहंदी आर्टिस्ट इन सबका, और 13 जुलाई को जो है यहाँ पर बीएसए वाले ऐसे करके सब लिखा हुआ है डीआईओएस ऑफिस कर्मचारी अधिकारी, और 14 जुलाई को मदरसा मंदिर एवं स्थानीय धार्मिक आयोजन वाले, और 15 जुलाई को स्थानीय मार्केट वाले वृद्धाश्रम वाले, और 16 जुलाई को स्थानीय वाले बैंक वाले और आपका एआरटीओ ऑफिस वाले। तो आप देख सकते हो इस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर के उन्होंने लेटर निकाला है, रूपरेखा उन्होंने बना ली है। अब आगे बताते हैं, सूरजकली बहन है जो कि रायबरेली से है और उन्होंने एक ये मैटर भेजा है। इन्होंने लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सूरजकली कुशवाहा केंद्र वगैरह कोडरा टेंगना, मेरा गेहूं 108 किलो थे जिसमें 92 किलो दिया गया है। हरचंदपुर रायबरेली समूह को गेहूं 108 किलो मिला था, उसने मुझे दिया 92 और कैसे वितरण करे, दिनांक 30 तारीख को उन्होंने सब भेजा है। इतना गेहूं समूह की महिला ने अपने घर लेकर के वो अपना चली गई है, 16 किलो केंद्र वगैरह कोडरा टेंगना कार्यकर्ता सूरजकली। तो देखो आपके जितने लाभार्थी, अगर आपको वो लाभार्थी के अनुसार नहीं दे रही है तो आप अपने वहां डीएम कार्यालय से शिकायत भी कर सकती है। खाली चैनल के भरोसे भी मत बैठना, सभी बहनों से गुजारिश है क्योंकि आप भी जमीन पर थोड़ा इसके लिए प्रयास करिए, ये समस्या इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाली। आप भी अपने वहां डीएम कार्यालय में इसकी शिकायत करो और फिर हमको भी यहां पर सूचित करो, तब आपके वहां पर भी कार्रवाई होगी और मीडिया के माध्यम से भी आवाज जाएगी। अब आगे देख सकते हो यहां पर बिहार सरकार से समाज कल्याण विभाग से क्लेटर अधिसूचना जारी हुई है 30 जून को, आप देख सकते हो, और इसमें यहां पर उन्होंने लिखा क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसमें देखिएगा ये नवीन तैनाती दे दी गई है, सबका तबादला हो गया है, और यहां पर जो भी आपके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं, बहुत से नाम लिखे हुए, एक दो हो तो मैं बता दूं, ये महिलाओं के यानी बहनों के नाम है जो ऑफिसर लेवल पर अधिकारी हैं उन सबके, इसमें 22 नाम दिए हैं, और इनके अलावा ये एक और ये 30 तारीख को निकला था अधिसूचना बिहार सरकार ग्रामीण जो है यहां पर विकास विभाग की तरफ से, इसमें भाई लोगों के दिए हुए हैं जो अधिकारी हैं, और यहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं इसमें टोटल जो है 240 जो है नाम है। अब आप सोचिएगा इतने नामों को एक एक करके बता पाना संभव नहीं है, तो आप लोगों को यह सूचित कर रहे हैं कि बिहार में भी तबादले बाल विकास विभाग के अधिकारियों के हो गए हैं, नवीन तैनाती आप लोगों को आपके वहां खुद ही धीरे धीरे मालूम हो जाएंगी, और खबरें वैसे भी आपको पहुंचाई जाती है तो लेटरों में जिक्र होता रहता है अधिकारियों का, और उसके जरिए भी आपको पता चलता रहता है। अब आगे चलते हैं, सरोजनी देवी बहन है सीतापुर से, सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती चल रही है, 25 जून को इसके लिए यहां पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, अंतिम आवेदन की तिथि 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई तक आपके पास मौका है। अन्य जो जनपद कौन कौन से है अगर आप जानना चाहते हो तो अभी वीडियो में बने रहना, आपको लास्ट तक हम आपको बता देंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन जिलों में आज की डेट में भर्तियां चल रही है। अब आगे बता दें आपको, शीला देवी बहन है झांसी से, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने ये अपना ट्वीट किया था और ट्विटर पर, और उन्हीं को नीचे ट्वीट किया है अनिल आर्या भाई हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि अवगत आपको कराना है कि जो आपने 2.5 साल पहले 1500 प्रोत्साहन राशि बढ़ाई थी वो अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के खातों में नहीं आया है, जल्द से जल्द 1500 और प्रोत्साहन राशि भेजने की कृपा करें। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, चुनाव आ रहा है फिर भी जो है अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, शायद सरकार को आने वाले वक्त में ये खामियाजा भुगतना पड़ जाए। अब आगे आपको बताते हैं, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय का लेटर है, प्रयागराज से जारी है, 29 जून को अभी निकला है, और यहां पर आपको बता दें कि बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग में 29 तारीख को जूम मीटिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिनमें आप लोगों को बताना चाहेंगे। आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से फीड किए गए जो वास्तविक लाभार्थी हैं जिनका आधार नंबर फीड है उनको पुष्टाहार वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, और एक ही परिवार के कई लाभार्थी पंजीकृत हैं किंतु बच्चे जिनका आधार नंबर उपलब्ध नहीं है उनके लिए उनके माँ पिता चाचा भाई परिवार के कोई भी सदस्य हैं उनका आधार कार्ड फीड किया जा सकता है, इसका भी आदेश है। और जब वैसे गर्भवती जो बच्चे जन्म के उपरांत धात्री वर्ग में आती हैं उनका स्वतः धात्री वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, अभी जो है यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, अतः उन्हें इनएक्टिव किया जाएगा। इस प्रकार वास्तविक लाभार्थी संख्या के आधार पर ही अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाए, डुप्लीकेट लाभार्थी की पहचान करते हुए इनएक्टिव वगैरह उनको कर लिया जाए, साथ ही अन्य किसी भी त्रुटि को संशोधित करते हुए सेविका जो है यहाँ पर यानी मुख्य सेविका एवं सीडीपीओ के लॉगिन कर संशोधित किया जाएगा। तो जो भी संशोधन है पोस्टर ट्रैकर पर वो सुपरवाइजर और सीडीपीओ के माध्यम से
किया जाएगा तो उनको ही अपनी जानकारी समस्या बताएं। एतायो समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविका उक्त प्रकरण पर विशेष प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और संभव अभियान को लेकर के भी आवश्यक दिशा निर्देश है। इसमें बोला गया है कि मीटिंग में अवगत कराया गया कि डेटा कल 2 बजे अपराहन तक जो भरे जाएंगे और वेबसाइट फ्रीज उसके बाद हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया है वजन वजन वाला जो भी मैटर था वो उसकी वेबसाइट फ्रीज हो गई होगी क्योंकि वो पहले के लिए था। किशोरियों के लिए भी बोला गया है 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली उनको भी पोस्टर ट्रैकर पर फीड किया जाएगा। इसके बारे में भी उनको यहां पर जो है लिखा गया है। अब यहां पर पोषा इनको वितरण वगैरह भी पोस्टर ट्रैकर पर इनका जो फीड होगा। और आगे चलते जिले में चिन्हित किए गए हैं 8000 जो है गंभीर कुपोषित बच्चे। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में दोस्तों खबर छपी है। 17 से 24 जून तक जो वजन हुआ है उसी में जानकारी निकल करके आई है। तो आप देख सकते हो बच्चे कितने ज्यादा कुपोषित है, सरकारों को इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। अब आगे देख सकते हो यहां पर एक और खबर आई है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 30 तारीख को अभी 30 जून को लेटर निकाला है और इन्होंने भी अपने यहां पर कुछ आवश्यक जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी गंभीर अल्प वजन सैम बच्चों का जो है स्वास्थ्य परीक्षण होगा और चिकित्सा जटिलता वाले सैम जो बच्चे उनकी सूची बनाई जाएगी, पुनर्वास केंद्रों को उनको भेजा जाएगा। बिना चिकित्सा वाले सैम बच्चों का सत्र स्थल पर 5 फरवरी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनकी स्वास्थ्य जांच होगी। आशा क्षेत्रवार जो है चिकित्सीय उपचार प्राप्त कर चुके तथा संदर्भित सैम में बच्चों की सूचीबद्ध उनको करना भी सुनिश्चित करें, इसके बारे में भी लिखा। और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की गतिविधियों के लिए उनका सहयोग करेंगी और कुपोषित बच्चों के पूर्णता स्वास्थ्य एवं पोषण वगैरह पोषित होने पर उनको फॉलोअप भी करेंगी। तो इसके बारे में भी उन्होंने दे दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा साप्ताहिक गृह भ्रमण भी किया जाएगा और जिससे कुपोषित बच्चों की जो है गृह आधारित पोषण देखभाल सही तरीके से उनकी की जा सके। तो ये चीजें इसमें दे दी गई हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे और आपको बताते हैं आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को ध्यान क्या देना है। विजयसेंडी सत्र है उनमें चिन्हित सैम मैम जो बच्चे हैं कुपोषित वाले अति कुपोषित वाले इन सबका स्वास्थ्य जांच वगैरह आप लोगों को करना है और उसके बाद जिसकी जैसी हालत है उसको फिर पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने के लिए भी सुनिश्चित करना है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं 27 जनवरी को एक लेटर इसी संबंध में मिशन निदेशक का जारी हुआ था स्वास्थ्य मिशन से। आप देख सकते हो सैम मैम जो बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं प्रथम बुधवार पर स्वास्थ्य केंद्रों में विजयसेंडी सत्र होता है और स्वास्थ्य एवं पोषण वगैरह प्रबंधन जो है संबंधित उसके लिए दिशा निर्देश आए थे। पूर्व में सरकारी आदेश जनवरी महीने में ही आपको ये डिटेल से दिखाया जा चुका है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से। 26 जून को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एक लेटर निकाला और यहां पर उन्होंने लिखा है कि यहां पर आप देख सकते हो कि टीकाकरण वगैरह कराना अनिवार्य है। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर अपना तथा अपने परिवार का टीकाकरण अवश्य करवा लें। तो आंगनबाड़ी बहनें सहायिका बहनें अपने सर्वे क्षेत्र के समस्त नागरिकों को भी टीकाकरण के लिए जागरूक करें और अपने परिवार को भी टीकाकरण वगैरह करवाएं। अब इसके अलावा आपको बता दें मैनपुरी से 26 तारीख को डीपीओ महोदय ने एक और लेटर निकाला था। इसमें भी उन्होंने सब यही लिखा हुआ है, लाभार्थियों के पंजीकरण में सहयोग करना, टीकाकरण मोबिलाइजर का कार्य करना का आदेश है, अभिभावकों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का आदेश है, प्रतिदिन ब्लॉक में हुए पंजीकरण की समीक्षा का आदेश है, अभिभावकों को वैक्सीनेशन के लिए मोबिलाइज करने के लिए गृह भ्रमण करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और यही सब इसमें दोस्तों दे दिया गया है। बाकी चीजों को तो आप लोगों को पहले ही पता हो चुका है क्या क्या काम ऊपर से सौंपे गए हैं क्योंकि निदेशालय से जारी आदेशों को भी ऑल इंडिया हमेशा पहले दिखा देता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बलरामपुर से 29 तारीख को एक और आदेश यह निकाला है जिसमें यहां पर 11 जो है बिंदुओं पर चर्चा हुई है और यहां पर कुछ आदेश आए हैं। सैग के बारे में लिखा है, सैग योजना के अंतर्गत वर्तमान में पंजीकृत 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश किया गया था जिसमें सैग योजना से संबंधित सूची अंकित हो और यो अभी अपर्याप्त है, कल तक सूचना उपलब्ध कराएं। पोस्टर ट्रैकर पर डुप्लीकेट डाटा को मुख्य सेविका स्तर से 30 जून के अपराह्न 3 बजे तक उसको ठीक करा ले। तो देखिए यहां पर सुपरवाइजरों को आदेश दिया गया है कि वो पोस्टर ट्रैकर पर जो डुप्लीकेट डाटा है उसको अपना ठीक करें। और साथ ही देखिएगा ऐसे तमाम जनपदों में चल रहा है और ये काम आंगनबाड़ी के स्तर से नहीं होंगे, डुप्लीकेट वाले जो भी हैं जैसे उनको अपना इनएक्टिव वाला जो काम है वो सुपरवाइजर बहने करेंगी, सीडीपीओ लोग करेंगे। अब आगे देख लीजिएगा आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की प्रगति से अवगत कराएं तथा निर्माण पूर्व केंद्रों की हस्तांतरण की रिपोर्ट भी भेजें, यानी कहां पर कितने केंद्र बने हैं। जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन दिवस में अल्प वजन की शून्य रिपोर्टिंग की गई है और सैम की शून्य रिपोर्टिंग की गई है जो कि सही नहीं है, उक्त केंद्रों का पुनः वजन कराते हुए रिपोर्ट भी अपडेट करके प्रस्तुत करनी है। मार्च वगैरह में जिन केंद्रों पर तेल की आपूर्ति नहीं हो पाई है वह
वह तेल को छोड़ करके अन्य सामग्री का भी वितरण तत्काल करवा दें और पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी फीडिंग दिनांक 30 जून को 70% जो है फीड कर लें। आगे इसमें लिखा है पोषण ट्रैकर ऐप लॉक हो जाएगा, इसके बारे में भी इसमें दिया गया है। आधार किट जनपद में उपलब्ध करा दी गई है, जिसका जो है प्रशिक्षण जारी गाइडलाइन के अनुसार कराया जाएगा। जल जीवन मिशन की 24 बिंदु की रिपोर्ट में केंद्र भवन की यथास्थिति को अवगत कराएं और यूपीपीसीएल द्वारा किए गए जांच में जो सूची जो है आपने उपलब्ध कराई है वह मैच नहीं कर रही है। फर्नीचर की सूचना 17 बिंदु पर उपलब्ध कराएं। एनबीटी बुक पर एंट्री पर योजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी के स्टॉक रजिस्टर में अंकन कराया जाए तथा भुगतान हेतु समस्त भाग विकास परियोजना वगैरह अधिकारी को चालान उपलब्ध करवाएं। इसके बारे में यहां पर आदेश आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आगे बता देते हैं, भर्ती वाले जिले हैं, बागपत चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बलिया, बाराबंकी, चंदौली, गाजीपुर और गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हापुर और जौनपुर, साथ ही आपका ललितपुर, लखनऊ, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संभल, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, इतने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर आज की डेट में भर्तियां अभी चल रही हैं। अब आगे आपको बता दें, सलमा बीबी है साजापुर से, उन्होंने एक ये मैटर भेजा है। 30 जून को मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संयुक्त मोर्चा के प्रदीप जी मंडल के बीच हुई चर्चा के बाद विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में उसमें चर्चा के मुताबिक इस पत्र में आशाओं के वेतन वृद्धि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए हम यह पत्र से सहमत नहीं है। तो आशा बहने मध्य प्रदेश की पत्र से सहमत नहीं है क्योंकि उसमें बहनों के मानदेय के बढ़ोतरी के संबंध में कुछ भी लिखा नहीं है और बहनों का हड़ताल इसीलिए अभी जारी रखे रहा जो है जानी रखा जाएगा, हड़ताल को यानी कैंसिल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से यह लेटर वही वाला है जिसमें बहनों के जो है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के कुछ भी जिक्र नहीं है जो वार्ता के दौरान किया गया था। 30 जून को आप देखिएगा लेटर जारी किया गया। समस्त पात्र आशा कार्यकर्ती और आशा सहयोगियों को मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने के संबंध में सिर्फ आदेश निकाला गया है। आंगनबाड़ी यूनियन के आशा बहनों के यूनियन के साथ में मध्य प्रदेश में जो वार्ता हुई है उस वार्ता के क्रम में मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार ने यानी यहां पर कुछ भी यानी उनके विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कुछ भी नहीं निकाला है। इसी का विरोध बहनों ने अपने वहां पर किया है। इसमें बस झुंझुना पकड़ा दिया गया मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का यानी संबल योजना का और इसी के बारे में गुणगान बखान लेटर में कर करके जो है स्वास्थ्य विभाग ने भेज दिया आशा बहनों को। और धरना वगैरह क्योंकि पहले बैठक हुई थी तो धरना कैंसिल करने के लिए विभाग ने बोला, सहमति बनी थी कितने पैसों पर, उसको जो यहां पर अभी नहीं निकाला गया है। तो आगे चलते हैं और भी आपको बता दें तो अभी मध्य प्रदेश में आशा बहनों का धरना जारी रहेगा। प्रियंका देवी बहन जो है बांका जनपद से, उन्होंने कुछ ये हमें पीडीएफ टाइप की भेजी है जिनमें आपको बता दें कि उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक बिंदु आप देख सकते हो, सामग्री में क्या क्या होता है, प्रसंस्करण, रख रखाव और साफ सफाई, ये लड्डू सत्तू को लेकर के बातें हैं। गेहूं का देखो प्रसंस्करण कैसे करना होता है, गेहूं को साफ करें, रात भर पानी में भिगो दें, छान कर अंकुरित करें, गेहूं को धूप में सुखा लें, फिर सूखी कराही में उसको भुने, फिर भुने गेहूं को पीस करके आटा तैयार कर लें, फिर हवाबंद डिब्बे में उसको रख लें। अब इस तरह से यहां पर बोला गया। अब आगे चलते और भी आपको बताते हैं और यहां पर शायद मडुआ का प्रसंस्करण लिखा हुआ है, साफ करें एवं धोएं, 24 घंटे तक पानी में फुलाएं, छान कर अंकुरित करें, धूप में सुखाएं और सूखी कराही में भुने। भुने जो है यहां पर मडुआ को पीस करके आटा तैयार कर लें, हवाबंद डिब्बे में उसको फिर बाद में रख लें। अब आगे आपको बताते हैं मूंगफली का प्रसंस्करण लिखा है, मूंगफली को साफ करें और इसके बाद मूंगफली सूखी कराही में भुने एवं छिलका अलग कर लें और यहां पर भुनी जो मूंगफली को यानी कि भुने मूंगफली को पीस करके आटा उसका तैयार कर लें, हवाबंद डिब्बे में उसको रख लें। मूंग दाल का प्रसंस्करण भी इसी तरीके से, मूंग दाल साफ करें फिर उसके बाद देखो धो करके 3-4 घंटे फुलाएं और धूप में फिर सुखाएं, फिर सूखी कराही में भुन करके आटा तैयार करें। तो यही प्रोसेस सब में करना होता है और फिर उसके बाद में आप उसका जो है लड्डू सत्तू टाइप का बना सकती हैं। और ये सब बहनों को घर में खुद ही आता है, इतना तो हमारी सब बहनें जानती ही हैं। सामग्रियों में भी आप देख सकते हो यहां पर मात्रा वात्रा भी लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे प्रसंस्कृत गेहूं का आटा 100 ग्राम, प्रसंस्कृत जो है उसना चावल का आटा 25 ग्राम और यहां पर मड़ुआ वगैरह का आटा 25 ग्राम और मूंग दाल का आटा 50 ग्राम, मूंगफली पाउडर 100 ग्राम, काला तिल पाउडर 10 ग्राम, दूध पाउडर 100 ग्राम, घी 25 ग्राम, गुड़ 150 ग्राम, इतना मिला करके ये सब जो है फिर आप लोग इसका लड्डू बना सकते हैं। कढ़ाई में घी को गर्म करें, सामग्रियों को उसमें मिलाएं तथा सुनहरा जो है होने तक उसको भुने यानी जब तक वो हल्का पक जाए, दूध पाउडर को भी उसमें मिलाएं और गुड़ को पिघला करके छान लें और एवं एक तार की जो है उसकी चाशनी टाइप की बना लें, सामग्रियों को उसमें जो अच्छे से मिश्रित कर लें और छोटे छोटे लड्डू उसके बना लें और ठंडा होने पर उसके जो है हवाबंद डिब्बे में भर करके रख लें और फिर बच्चों को खिलाएं। इस तरह से यहां पर ये सब सामग्रियां लिखी हुई हैं और ऊपर भी सब कुछ ऐसे दिया हुआ। सामग्री में देखो सत्तू 250 ग्राम, मूंगफली पाउडर 100 ग्राम, गुड़ 150 ग्राम, घी 250 ग्राम, ऐसे कर करके यहां पर भी मिलाना और बनाना, इस तरह से सभी चीजों को लेकर के आया हुआ है। हम इसको पीछे छोड़ते हैं क्योंकि ये सब आप लोगों को आता है, ये आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है लड्डू वड्डू बनाना। अब यहां पर ये मैटर जो भेजा था हमारे पास प्रियंका देवी बहन ने बांका से, उन्होंने भेजा है, बहन को धन्यवाद। नीतू बहन है फिरोजाबाद से, उन्होंने कुछ हमें तस्वीरें भेजी, आप यहां पर देख सकते हो। एक और मैटर आया है सुनीता सिंह बहन है आगरा से, उन्होंने भी अपने वहां पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की कुछ तस्वीरें भेजी हैं।
इनके अलावा आप देख सकते हो ये अर्चना देवी बहन है गोरखपुर से, उन्होंने भी फोटो भेजा है। और इनके अलावा एक मैटर ये आया है जो शशि किरण बहन है अयोध्या से, वहां से भी फोटो आई है। लाभार्थियों को दूर दूर खड़ा करें, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बबीता बहन मुरादाबाद से, उन्होंने भी फोटो यहां पर भेजी है। इनके अलावा एक मैटर ये आया है यहां पर आयशा खातून बहन है आजमगढ़ वगैरह से, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और साथ ही ये सूरजगली बहन है रायबरेली से, उन्होंने भी अपने वहां पर फोटो भेजा है। इनके अलावा एक ये मैटर आया किरण लता बहन कानपुर देहात से, उन्होंने भी फोटो भेजा है। और एक ये मैटर है कंचन लता बहन लखनऊ से, उन्होंने भी फोटो भेजा हुआ बक्सा भी इनको मिला है। इनके अलावा जो सलमा भी बहन है शाजापुर से, उन्होंने कई बहनों की फोटो भेजी है। विजय लता बहन राजपूत है जो कि यहां पर बामोरा वगैरह लिखा हुआ वहां से विदिशा से है। तो बहन एक बात यहां पर कहना चाहेंगे, जो भी बहन अपना भेजना चाहे वो स्वयं ही ऑल इंडिया को पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजे, अन्य बहनों के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों की फोटो को ना भेजें। यहां पर देखिएगा, यहां पर मीना सिद्दीकी बहन ने भी यही तरह के मैटर को भेजा है। और जो भी बहनें हैं वो अपना नाम खुद ही चैनल पर सेव कराएं और वो अपना मैटर अपने आप स्वयं से भेजें। सलमा भी बहन साजापुर से, उन्होंने काफी बहनों की फोटो वोटो भेजी है। इनके अलावा ये देखिएगा और भी ये तस्वीरें वहीं से आई है, हम इनको ऐसे नहीं दिखा सकते। जो भी बहन भेजना चाहे वो पर्सनली भेजें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, बड़ा जरूर है लेकिन जानकारियां आपको बहुत दी गई है। कल सुबह फिर आपको हम मिलेंगे सुबह की।